अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम जब बाज़ार से लाते हैं और वो गर्म होती है तो हम उसको किस तरह से बहुत जल्दी ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी अगर ज़रूरत होती है यूज़ करने की घर में, या फिर ये कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ उनके लिए हमें चाहिए होती है, तो ये बहुत देर में जाके ठंडी होती है। तो हम इसको किस तरह से घंटों का काम अपना मिनटों में कर सकते हैं और फ़ौरन से फ़ौरन इसको जल्दी से ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ इसमें डालने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आज आपको मैं ये टिप बता रही हूँ, इसके लिए आपने लेना है कोई भी सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा कोई भी आप ले लें, और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, छोटा कपड़ा चाहिए। उसको हमने आम टैप वाटर लेना है, इस टैप वाटर के अंदर हमने इसको डिप कर लेना है, अच्छे से गीला कर लेना है इस कपड़े को, और गीला करने के बाद इस तरह से भिगोने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है कि इसके अंदर से जो पानी है ना वो टपकना बंद हो जाए, पानी इसके अंदर से टपकना नहीं चाहिए। इसको निचोड़ने के बाद इसके बाद हम इस कपड़े को फैला लेंगे और इसके ऊपर जो बोतल हमने ठंडी करनी है उसको इसमें लपेट लेंगे, कपड़े के अंदर। कपड़े के अंदर लपेटने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रीजर में, और थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि जो घंटों में हमारी बोतल ठंडी होती थी ना कोल्ड ड्रिंक की, वो मिनटों में ठंडी हो जाएगी। थोड़ी सी देर में आपकी बोतल बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, पीने में बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से आप अपनी पानी की बोतलों को भी ठंडा कर सकते हैं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की नहीं पानी की बोतलों को भी ठंडा कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, गर्मी के हवाले से ये टिप भी। इसमें यह है कि बर्फ़ जब हम क्यूब्स में जमाते हैं अपनी ट्रे में तो बहुत टाइम लगता है इसको जमने में, और हमें जल्दी चाहिए होती है। तो आज मैं आपको टिप बताऊंगी जिससे आपकी बर्फ़ जो है बहुत जल्दी से जम जाएगी, जो कि बहुत देर में जमती थी, क्योंकि इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा होता है और बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपकी ये क्यूब्स वाली ट्रे खाली हो जाए और आपने इसको दोबारा से जमाना है इसके अंदर, तो आपने जो पानी लेंगे ना इसको जमाने के लिए, तो आपने क्या करना है, उस पानी को सबसे पहले आपने चूल्हे पर रख के हल्का सा गर्म कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे, बिल्कुल नीम गर्म, कि आपने अपनी मतलब आप उसमें चेक करेंगे तो आपको आपका हाथ जले ना, बस इतना सा गर्म होना चाहिए। बस हल्का नीम गर्म पानी लेके इसको हम अपनी ट्रे के अंदर डालेंगे और इसको जब हम फ्रीज़र में रख के जमाएंगे तो आप देखिएगा कि ये बनिस्बत उस पानी के जो हमने सिंपल पानी लिया था, ये हल्का सा नीम गर्म पानी बहुत जल्दी जम जाएगा और बहुत जल्दी बर्फ़ बन जाएगी। तो इतनी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें अगर चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोगों के भी काम आती रहे, और लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर शुरू में ही कर लिया करें। और हमारी टिप्स के बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी से बर्फ़ बन के तैयार है, जो कि मेरी कई घंटों में जमती थी। जब रख दो तो बहुत देर फिर इसको भूल जाना पड़ता था कि बस आप भूल ही जाए रख के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप रखेंगे और थोड़ी सी देर में आपकी बर्फ़ बनके तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मियों के हवाले से ही है, और उन लोगों के लिए है जो मेरे उन लोगों के लिए जो कि एसी और रूम कूलर के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बगैर मैं आपको बताऊँगी कि हम अपना कमरे को कैसे ठंडा कर सकते हैं बगैर एसी और रूम कूलर के। उसके लिए हमने पानी लेना है, टब में पानी ले लेंगे, और उसके बाद हमने लेनी है बेडशीट, 3 से 4 अदद बेडशीट्स हम ले लेंगे और इनको हमने अच्छे से गीला कर लेना है। तो ये टिप्स मेरी उन लोगों के लिए है जो कि मेरी उन बहनें वो बहनें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं एसी और रूम कूलर, लेकिन गर्मी बहुत शदीद है। तो उसके बगैर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपना कमरे को बहुत अच्छा सा ठंडा कर सकते हैं और एसी और रूम कूलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपकी बिजली ज़्यादा होगी, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, आपका कमरा इस तरह से इतना अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। तो चादरों को अच्छे से आपने गीला कर लेना है, और गीला करने के बाद इसको हमने इतना निचोड़ना है कि इसका पानी टपकना बिल्कुल बंद हो जाए, इसके अंदर से पानी ना टपके, क्योंकि अगर पानी टपकेगा तो पानी कमरे के अंदर पानी पानी कर देगा। तो ये आपने एहतियात करनी है कि उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद फिर हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो को फुल देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बेनिफिट्स पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। इस तरह से मैं सारी चादरों को मैंने एक निचोड़ लिया, मैं सारी निचोड़ लूँगी। उसके बाद हम डालेंगे इनको अपने कमरे में, जिस कमरा हमने ठंडा करना है ना, सबसे पहले उसके दरवाजे पर हम चादर को डाल देंगे, एक चादर को, और इस तरह से देखें मैंने गीली पूरी तरीके से हुई भी है, लेकिन इसके अंदर से बिल्कुल भी कहीं से भी पानी बिल्कुल भी नहीं टपक रहा है। तो टिप मेरी इतनी यूज़फुल है कि आपके 100% ये काम करेगी, 100% आपको रिजल्ट देगी। इसके बाद हमने अपने जो सोफ़े पे स्पेस सोफ़े पे फैला लेंगे, जो भी मतलब एक्स्ट्रा जगह है ना कमरे के अंदर उन पे आपने इस चादरों को फैलाना है। सोफ़े पे फैला लेंगे, टेबल पे फैला लेंगे, जो आपका टेबल है साइड में टेबल पे फैला लें, या कोई सेटी वगैरह रखी है उसके ऊपर फैला लें। इस तरह से 3 से 4 ज़्यादा जितना बड़ा आपका कमरा है उसके हिसाब से आपने करना है। उस पर फैलाने के बाद आपने फुल स्पीड पर पंखा चला देना है, आप देखेंगे थोड़ी सी देर में आपका कमरा इतना अच्छा ठंडा हो जाएगा बगैर एसी बगैर रूम कूलर के, आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि एसी और रूम कूलर तो है ही नहीं, उसके बगैर ही आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन 100% काम करने वाली ये टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।